हाल ही में क्रिकेट को एशिया कप चल रहे हैं और यू एशिया कप 2023 में शुरू हुए हो। एशिया कप 1984 से चल रहे हैं, तो चलो आज के वीडियो में थाने 1984 से लेके 2023 तक खेला गया सबका सब एशिया कप की कहानी एक ही कर बताती हूँ। तो थे वीडियो पूरा जरूर देखियो और वीडियो चोखो लगे तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओ। जाएंगे सबने यह बात तो वीडियो है कि एशिया कप हर बार 2 साल से हुए और पहले एशिया कप 1984 में खेला गया। 1984 में एशिया कप का फाइनल में इंडिया और श्रीलंका की भिड़ंत हुई और फाइनल मैच इंडिया आपका नाम कर लियो। तो 1984 को एशिया कप टीम इंडिया आपका नाम करके टीम इंडिया पहली बार एशिया कप की चैंपियन बन गई और एक ऐसा की टीम इंडिया आपका नाम एक एशिया कप कर लियो और श्रीलंका की टीम 1984 में रनर अप रही। बी कप बाद में अगले एशिया कप 2 साल बाद में हो, जाएंगे सबने पते हुए कि एशिया कप हर बार 2 साल बाद में हुए। तो 1986 में एशिया कप को फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में खेले गयो और श्रीलंका पिछले एशिया कप को बदलो ई एशिया कप में पूरा कर लियो और फाइनल मैच आपका नाम कर लियो। तो श्रीलंका यू फाइनल मुकाबला आपको नाम करता ही श्रीलंका भी एक बार एशिया कप आपका नाम कर लियो। बाद में बात करें 1988 का एशिया कप के बारे में, तो 1988 में एक बार फिर से इंडिया और श्रीलंका ही एशिया कप को फाइनल मैच खेलो और विनर टीम रही इंडिया और इंडिया 1988 को एशिया कप जीतता ही 2 बार इंडिया की टीम एशिया कप आपका नाम कर लियो। अगले एशिया कप हुए 1991 में और यू भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही हो और यू एशिया कप भी टीम इंडिया आपका नाम कर लियो। तो इस तरीके से टीम इंडिया 1991 को एशिया कप भी आपका नाम करके 3 एशिया कप आपका नाम कर लिया और ये 3 एशिया कप श्रीलंका की टीम ने हरा के आपका नाम कराया। लेकिन अगले एशिया कप के बारे में किन बेरो की बिम भी यही कहानी उभरी है। तो 1995 में भी टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच में एशिया कप को फाइनल खेले गए और ये फाइनल मुकाबले में भी टीम इंडिया एक बार फिर से श्रीलंका ने हरा दी। तो इस तरीके से टीम इंडिया श्रीलंका ने 4 बार फाइनल से बाहर कर दी और 4 बार आपका नाम खिताब कर लियो। 1995 को एशिया कप टीम इंडिया आपका नाम करता ही टीम इंडिया 4 बार एशिया कप की ट्रॉफी आपका नाम कर ली। अगले एशिया कप हो 1997 और यू एशिया कप भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेले गयो, लेकिन ई एशिया कप का फाइनल मैच में श्रीलंका आपको बदलो पूरा कर लियो और टीम इंडिया राखी आपको 200 एशिया कप खिताब जीत लियो। 1997 के बाद में अगले एशिया कप हो 2000 में जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में खेले गयो को फाइनल और फाइनल मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान की टीम 12 करके पाकिस्तान की टीम आपको पहले एशिया कप आपका नाम कर लियो। एशिया कप का फाइनल मैच की बात करें तो अधिकतर फाइनल मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही हो रहे हैं। 2000 के बाद में 2004 को एशिया कप खेले गयो जिसको फाइनल मैच भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही हो और ई फाइनल मैच में श्रीलंका की टीम आपको दोबारा एक बार फिर से बदलो ले लियो और श्रीलंका की टीम एशिया कप को खिताब आपका नाम कर लियो। जो खिताब आपका नाम करता ही श्रीलंका की टीम 3 बार एशिया कप को चैंपियन बन गई। 2004 के बाद में अगले एशिया कप खेले गयो 2008 में और वो एशिया कप भी श्रीलंका और इंडिया के बीच में ही हो और बी एशिया कप ने भी श्रीलंका आपका नाम कर लियो और टीम इंडिया से दोबारा एक बार फिर से बदलो ले लियो। उस श्रीलंका बदलो लेने के साथ ही श्रीलंका आपको 4th खिताब आपका नाम कर लियो। तो टीम इंडिया 4 बार श्रीलंका ने बारह करके खिताब जीते हो, तो श्रीलंका 3 बार इंडिया ने और 1 बार पाकिस्तान ने बारह करके 4 खिताब आपका नाम कर लिया। लेकिन 2010 में एक बार फिर से टीम इंडिया प्लेटफॉर्म करो और 2010 को फाइनल मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेले गयो और टीम इंडिया का मेन विजय रही और टीम इंडिया 2010 को एशिया कप आपका नाम करता ही 5 बार ट्रॉफी आपका नाम कर ली। 2010 के बाद में 2012 में फिर एशिया कप हो और जिसको फाइनल मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में खेले गयो। 2012 में पहली बार बांग्लादेश की टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन बैठे पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश की टीम ने बारह कर दी और पाकिस्तान की टीम एशिया कप को 200 खिताब आपका नाम कर लियो। 2012 के बाद में 2014 को एशिया कप एक बार फिर से श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में खेले गयो और यू एशिया कप श्रीलंका की टीम आपका नाम कर लियो और श्रीलंका की टीम भी रिकॉर्ड तोड़ 5वीं बार एशिया कप आपका नाम कर लियो। 2014 के बाद में 2016 में एशिया कप को फाइनल इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो और तब बांग्लादेश की टीम दूसरी बार एशिया कप का फाइनल में गई ही, लेकिन 88 भी टीम इंडिया बिन बारह कर दी और टीम इंडिया एशिया कप को खिताब 6th बार आपका नाम कर लियो। लेकिन बांग्लादेश की टीम मारकुन मानी और 2018 में फिर से बांग्लादेश की टीम इंडिया के सामने फाइनल में गई, लेकिन बैठे से फिर भी टीम इंडिया बांग्लादेश की टीम ने बारह कर दी और टीम इंडिया एशिया कप को यो 7th खिताब आपका नाम कर लियो। अब बात करें पिछले एशिया कप के बारे में, यानी कि 2022 में 2018 के बाद में 4 साल बाद में एशिया कप हो जो कि बीच में कोरोना की वजह से रद्द हो गयो। तो 2022 में एशिया कप को फाइनल मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में खेले गयो और यू मैच भी श्रीलंका की टीम आपका नाम कर लियो और यू एशिया कप आपका नाम करता है श्रीलंका की टीम भी रिकॉर्ड तोड़ 6 बार एशिया कप आपका नाम कर लियो और श्रीलंका की टीम 3 बार एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की टीम ने हरा दी, यानी कि पाकिस्तान की टीम अब तक भी श्रीलंका ने फाइनल के मैच में कुनी रास की है। तो अब तक 1984 से लेकर 2023 तक 15 बार एशिया कप होगा जिनमें से 7 बार टीम इंडिया 6 बार श्रीलंका और 2 बार पाकिस्तान की टीम आपका नाम करेंगी। तो एशिया कप की सबसे सफल टीम टीम इंडिया है और दूसरे नंबर पर एशिया कप की सबसे सफल टीम श्रीलंका की टीम है और अब 2023 के एशिया कप में उम्मीद है कि टीम इंडिया यू एशिया कप आपका नाम कर लेगी और टीम इंडिया रिकॉर्ड तोड़ 8वीं बार एशिया कप आपका नाम करेगी। तो एशिया कप में टीम इंडिया और पाकिस्तान को एक मुकाबला तो बरसात कारण रद्द हो, तो अब एक बार फिर से 10 सितंबर ने टीम इंडिया और पाकिस्तान में मुकाबला होने की संभावना है। तो भी मुकाबला को सबने बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो सुखो लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओ।